संजय जोशी बीजेपी के उन ताकतवर नेताओं में से हैं जिन्हें शायद आम जनता ठीक से नहीं जानती, लेकिन पार्टी में उनकी गहरी पैठ है। 1980 के दशक में बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन गडकरी और संजय जोशी 1980 के दशक में नागपुर में आरएसएस की एक ही शाखा में काम किया करते थे, इसलिए आरएसएस के साथ साथ उनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी लोकप्रियता है। खासतौर से जमीन से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ता संजय जोशी के सबसे ज्यादा करीब है, और तो और पार्टी छोड़ चुके पुराने नेता भी संजय जोशी की तारीफ करते नहीं थकते। वो कार्यकर्ताओं का मिलना, जैसे सिस्टम थी बीजेपी की, आरएसएस की, बैठकें लेना, बात करना, आइडियोलॉजी समझाना, नए लोगों को भर्ती में लाना और अपना नाम कहीं नहीं आने देना, यानी कि संगठन के ऊपर हावी नहीं होना, फिर भी संगठन मजबूत करना, नए लोगों को लाना, नए लोगों को लाकर आइडियोलॉजी समझाना, ये इनका काम था। और एक अच्छे संगठन थे, संगठक थे वो मैं कहूंगा, और विनम्र और वेरी लो प्रोफाइल, इतने क्वालिफिकेशन के बाद भी ही वाज अ वेरी लो प्रोफाइल, इतना मैं जरूर कहूंगा, अच्छे कार्यकर्ता थे। आज गुजरात में 10,000 कार्यकर्ताओं के नाम उनको याद हैं, और जब सेंट्रल पोजीशन में आए जनरल सेक्रेटरी, तो देश के जो कार्यकर्ता है उनको सर रखने की जगह संजय जोशी थे। संजय जोशी मूल रूप से नागपुर के, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। वो संघ के रास्ते बीजेपी में आए और उन्हें बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए पहली बड़ी जिम्मेदारी गुजरात की दी गई। वो 1990 में महाराष्ट्र से गुजरात आए। 1995 में गुजरात में जब बीजेपी की पहली सरकार बनी, उस वक्त वो गुजरात बीजेपी के महासचिव बनाए गए। जोशी करीब 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे। 2001 में नरेंद्र मोदी से खटपट होने के बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्हें बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव बनाया। न केवल गुजरात बट सारे देश में भाजपा के संगठन में संजय जोशी जी का काफी अच्छा पकड़ है वर्कर्स के बीच में, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है काफी पसंद करते हैं वर्कर्स। उनके बात बहुत पेशेंटली सुनते हैं, और उनके कोई कंप्लेंट्स होते तो वो उनको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। जोशी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब 2005 में कथित सीडी कांड में उनका नाम आया और उन्हें पार्टी में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस सारे प्रकरण में चारित्र्य हनन कर, कीचड़ उछालकर भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने की साजिश हुई थी। ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं है। मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा उस सीढ़ी में न होने की निर्दोषता सिद्ध हुई है, यह मुझे संतोष का विषय है। सीडी कांड में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें पार्टी में फिर से अहम रोल अदा करने का मौका मिला। बीजेपी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश के 2012 की विधानसभा चुनावों की बागडोर सौंप दी। हालांकि उनके नेतृत्व में बीजेपी इन चुनावों में कोई कमाल नहीं कर पाई। कमी आई है इसलिए तो कम सीटें मिली। वजह क्या लगती है? अभी वजह ढूंढेंगे। संजय जोशी ने शादी नहीं की है, वो अकेले रहते हैं। भले ही वो नागपुर के हैं, लेकिन उनके परिवार के कई लोग गुजरात में रहते हैं।